शिक्षा आदिम जाति विकास विभाग अनुसूचित विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास श्री सोनमणि बोरा सर से निवेदन कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय सचिव सर श्री सोनमणि बोरा सर से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग सोनमणि बोरा सर से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री अंकित गर्ग सर से निवेदन कि वे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। कलेक्टर बलरामपुर श्री आर एक्का सर से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मुख्य वन संरक्षक सर से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमन लाल जी से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रेना जमील मैडम से निवेदन कि माननीय मंत्री महोदय आदिम जाति विकास अनुसूचित जाति विकास पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विकास छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विचार नेताम जी का स्वागत करें। सीओ मैडम से पुनः निवेदन रहेगा कि माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का पुष्प देकर स्वागत करें। सीओ मैडम से पुनः निवेदन है कि माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और प्रभारी मंत्री बलरामपुर का पुष्प देकर स्वागत करें। श्री करुण डहरिया जी अनुविभागीय अधिकारी से निवेदन कि माननीय सांसद महोदय का देकर स्वागत करें। अनुविभागीय दंडाधिकारी राजपुर श्री राजीव जेम्स कुजूर सर से निवेदन कि माननीय विधायक महोदय लुंड्रा श्री प्रबोध विंज जी का स्वागत करें। जेम्स सर से पुनः निवेदन रहेगा कि माननीय विधायक अंबिकापुर का भी स्वागत करें। माननीय विधायक अंबिकापुर आगे जा। जेम्स सर से पुनः निवेदन कि माननीय विधायक अंबिकापुर का पुष्प कमला देकर स्वागत करें। डहरिया सर से पुनः निवेदन रहेगा कि विधायक सामरी श्रीमती उदेश्वरी पैकरा जी का स्वागत करें। डहरिया सर से निवेदन उदेश्वरी मैम के सामने खड़े हो उदेश्वरी मैडम का स्वागत करें। जेम सर से निवेदन कि माननीय विधायक सामरी श्रीमती उदेश्वरी पैकरा जी का स्वागत करें। जेम्स सर से राजीव जेम्स कुजूर सर से निवेदन कि श्रीमती उदेश्वरी पैकरा जी का स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय प्रतापपुर के स्वागत के लिए पुनः मैं अनुविभागीय दंडाधिकारी राजपुर श्री राजीव जेम्स कुजूर सर से निवेदन करूंगी कि वे माननीय विधायक महोदय प्रतापपुर श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी का स्वागत करें। और माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी राजपुर श्री राजीव जेम्स कुजूर सर से निवेदन कि मंचस्थ अन्य अतिथियों का माननीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी का पुष्प देकर स्वागत करें। ओम प्रकाश जायसवाल जी का और अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए मैं अनुविभागीय दंडाधिकारी राजपुर श्री राजीव जेम्स कुजूर से निवेदन करूंगी कि मंचस्थ अन्य अतिथियों का पुष्प डंडिका और गमला देकर स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन के सर आपका और अब हम आमंत्रित करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए कलेक्टर बलरामपुर श्री आरिका सर को। जिला बलरामपुर रामानुजगंज में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ प्रसारण के अवसर पर उपस्थित परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री ट्राइबल विभाग, माननीय मंत्री महिला बाल विकास विभाग, सांसद जी, सभी विधायक गणों, सभी जनप्रतिनिधियों, मंचस्थ अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिले के अलग अलग गांव से आए हुए सभी
आमजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर आज 196 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन जिले के अलग अलग विभागों के विकास कार्यों का किया गया है, साथ में स्टॉल के माध्यम से विभागीय गतिविधियों को दर्शाया गया है तथा हितग्राहियों को अलग अलग योजनाओं में हम लाभान्वित कर रहे हैं। सर मैं आज के इस कार्यक्रम में मंचस्थ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मान्यगणों मंत्रीगणों का आमजनों का पत्रकार साथियों का पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसके पश्चात मैं विभागीय प्रतिवेदन वाचन हेतु सादर आमंत्रित कर रही हूं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री सोनमणि बोरा जी को। एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज जिला बलरामपुर रामानुजगंज के राजपुर विकासखंड में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साई जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माननीय श्री रामबिसार नेताम जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजबरे जी, माननीय सांसद लोकसभा सरगुजा श्री चिंतामणि महाराज जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत एवं अन्य हमारे पंचायत जनप्रतिनिधिगण, यहाँ दूर दूर से आकर उपस्थित हुए हमारे सभी माताएं बहनें, प्रबुद्धजन, पत्रकार बंधुगण, मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करते हैं। आप सबके तरफ से उनको स्वागत हम कर रहे हैं। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जैसे कि हम लोग माने जैसे कि हम लोग आज गांधी जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती मना रहे हैं, इसी शुभ अवसर पर अभी कुछ ही क्षण बाद हजारीबाग झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और ये एक ऐसा अभियान है जब हम आजादी के 75 साल में प्रवेश करके 100 साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस अमृतकाल बेला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, विगत एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री जनमन योजना की आगाज की थी, जिसके तहत हमारे देश भर के प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसमें से 5 ट्राइबल ग्रुप हमारे छत्तीसगढ़ के भी है, उनके वसाहतों को 100% सरकार की योजनाओं से, जैसे पक्का आवास हो, नल जल योजना हो, सड़कों से संपर्क साधित हो, इस प्रकार के 11 प्रकार के कार्यों के लिए पूर्णता की ओर पूरे शासन प्रशासन लोग एकत्रित होकर आगे बढ़ने के उन्होंने ऐलान किया था, जिसका एक सुखद परिणाम छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है। और आज लगभग एक साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नई योजना का आगाज किया है, जिसके तहत सभी जनजातीय हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, उनके जो ग्राम है जहां पे 50% से अधिक आबादी है, उन ग्रामों में इस अभियान को लेने जा रहे हैं। आज मैं विभाग की ओर से आप लोगों का स्वागत करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे आदिम जाति विकास विभाग द्वारा, जिसके साथ अनुसूचित जाति, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी है, हम लोग के द्वारा हमारे प्रदेश के 43 जनजातियों के सेवा में लगातार हम लोग लगे हुए हैं। हमारे विभाग द्वारा राज्य में 3,357 आश्रम और छात्रावास संचालित की जा रही है, जिसके तहत 2,00,000 से अधिक विद्यार्थी को उनके रहने का, खाने का और अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया की जा रही है। इसी प्रकार हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, उनके लिए भी हम लोग 10 स्कूल चलाते हैं, जिसके अंतर्गत 1400 से भी अधिक विद्यार्थी, जिसमें पहाड़ी कोरवा भी जो आज बड़ी संख्या में मौजूद है,
आपके विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार एकलव्य विद्यालय भी पूरे प्रदेश में 75 संचालित की जा रही है, जिसके तहत 22,000 से भी अधिक विद्यार्थी इससे लाभ ले रहे हैं। हमारे प्रदेश शासन के मुखिया का ये कल्पना है कि हमारे जनजाति के बच्चे केवल पढ़े लिख के वो आगे जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और बड़े बड़े प्रोफेशनल पद में वो आसीन हो, उसी को देखते हुए 4,000 से भी अधिक विद्यार्थी आज हमारे विभिन्न योजना के तहत, चाहे वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा हो, एनआईटी के लिए तैयारी कर रहा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, विधि विभाग के लिए विधि में तैयारी कर, कॉमर्स में तैयारी कर रहे, इस प्रकार विभिन्न हमारे जो प्रतियोगितामूलक परीक्षाएं हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस है, उससे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। बीएससी नर्सिंग का भी हम इसमें पोषण करते हैं। इसी प्रकार हमारे जो जनजातीय बच्चे हैं उनको रहने का व्यवस्था भी प्रदेश शासन द्वारा दिल्ली में एक यूथ ट्राइबल हॉस्टल खुलवाकर वहां रखने का व्यवस्था किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा की कि वहां के जो हमारे 65 सीट है उसको बढ़ाते हुए 200 किया जाए, और आज 200 बच्चे को जो यूपीएससी और आईएएस आईपीएस या अन्य जो प्रतियोगितामूलक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं उनको इससे बहुत बड़ी फायदा होगी। ट्राइबल वीडियो लॉन्च एवं जबरनोनी कटआउट का विमोचन भी आज इस कार्यक्रम से होना है, और इसके पश्चात हमारे अतिथियों का उद्बोधन। बहुत ही सम्मान का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइव में हम उपस्थित होंगे, और इसके पश्चात जिला बलरामपुर के द्वारा तैयार एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप सभी के लिए। मैं अतिथियों से निवेदन करती हूं वो मंच पर अपना आसन ग्रहण करें, और इसके साथ पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा उनका स्वागत संपन्न होता है। वीडियो स्टार्ट। ट्राइबल योजना के एक वीडियो लॉन्च यहां से किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पीएम जन योजना के अंतर्गत बनाए। सो 35 बसाहटों में बसे इन विशेष रूप से कमजोर जनजाति भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों पीवीटीजी के उत्थान और उनकी चुनौतियों का समाधान कर उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है। छत्तीसगढ़ के सिरमौर में स्थित बलरामपुर रामानुजगंज जिला एक आदिवासी बहुल जिला है। इसमें 5,070 परिवारों के 19,744 पहाड़ी कोरवा निवासी शामिल है। जिले के 235 बसाहटों में बसे इन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी पीएम जनमन योजना के माध्यम से सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत पीएम आवास योजना के माध्यम से सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूर संचार कनेक्टिविटी के साथ स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आसन और स्वास्थ्य के लिए हम लोग पैदल जंगल जंगल जाते थे, बहुत दिक्कत होता था। विष्णुदेव सरकार किस्मत बदल दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3,515 आवास विहीन पहाड़ी कोरवा परिवारों को उनका अपना घर प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 2,958 आवासों की स्वीकृति देकर तेजी से गुणवत्तापूर्ण घर उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन अग्रसर है। मट्टी के घर में बहुत चुनौत रही, अब दे हम के मोदी सरकार में पक्का कर घर, तो मैं अभी हो तो मैं खुशी से मैं नाचो तो हो खेलो तो। जिले में पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण, सिकल सेल जांच और घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पहाड़ी कोरवा आश्रमों में कुल 1505 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। पहाड़ी कोरवा परिवारों के 1,011 बिजली विहीन परिवारों को चिन्हित कर अब तक 26 गाँवों के 400
63 परिवारों को विद्युतीकरण की सुविधा दी जा चुकी है। जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के संकल्प के साथ सभी परिवारों को हर घर नल से जोड़ा जा रहा है। सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करने की प्राथमिकता के साथ आधार, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। निस्संदेह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पीएम जनमन योजना के तहत जिले के इन विशेष वर्ग के पहाड़ी कोरवा ग्रामीणों को अन्य समुदायों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हम अवश्य देखेंगे। ट्राइबल वीडियो लॉन्च, अभी अतिथियों ने इसका अवलोकन किया और इसके पश्चात जिला बलरामपुर की एक विशेष पहल जो पहाड़ी कोरवाओं की बसाहट को लेकर की गई है, जबरनोनी। आप मंच से ठीक सामने देखेंगे एक बहुत बेहतरीन जबरनोनी सशक्त भविष्य की ओर बढ़ते कदम, रंगोली और फूलों की रंगोली से हमारे समस्त अतिथियों के अवलोकन के लिए मैं माननीय अतिथियों का ध्यान मंच के सामने जबरनोनी के संबंध में बनाई गई एक रंगोली की ओर देती हूँ। और ये जबरनोनी एक सामुदायिक लीडर और आदर्श जो बालिका सशक्तिकरण की चुनौतियों के बावजूद दृढ़ता का प्रतीक है, वह अपने गांव की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के समर्पित है। जिला बलरामपुर के लिए एक विशेष पहल जो पहाड़ी कोरवाओं की बसाहट के लिए है। जबरनोनी स्थानीय मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और एनजीओस के साथ मिलकर एक सहयोगी नेटवर्क बनाती है जो कार्यक्रम की सफलता के लिए संचार और संसाधनों के साझाकरण को बढ़ावा देती है। मैं विमोचन आज इस धरती आबा के कार्यक्रम में मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूं कि जबरनोनी का विमोचन उनके कर कमलों के द्वारा आज इस कार्यक्रम से किया जाना है। और जबरनोनी द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियां हैं वो है नियमित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यशालाओं का आयोजन करना, सामुदायिक टीकाकरण अभियानों का नेतृत्व करना, परिवारों को बालिकाओं के सही उम्र पर विवाह के महत्व पर सलाह देना और बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। माननीय अतिथियों से मेरा निवेदन, वो जबरनोनी का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। धरती आबा का यह कार्यक्रम, बलरामपुर का यह प्रांगण, यह आंगन और हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा जबरनोनी सशक्त महिला सशक्त भविष्य की ओर बढ़ते कदम, इनका विमोचन आज इस धरती आबा के जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम के प्रांगण में, जो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय, सम्मान का विषय और गौरव का विषय है। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहती हूं दर्शकों से। आपके जिले, आपके क्षेत्र में यह जबरनोनी का विमोचन हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों के द्वारा हमारा सौभाग्य है। हम आपको अपने बीच पाकर और इस विमोचन के कार्य से गौरवान्वित हुए। महोदय, एक बार पुनः आपका आभार और अभिनंदन। ये शानदार विमोचन था जबरनोनी के कटआउट का। बलरामपुर जिले की एक बहुत शानदार योजना यहाँ दिया गया और अब हम उद्बोधन का क्रम प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सामरी श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा जी को कुछ इन शब्दों के साथ कि ये हुनर, ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत देखी, ये हुनर, ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत देखी, किरदार तो बहुत देखे जमाने में मगर आप जैसा शख्सियत नहीं देखा। माननीय श्री उद्देश्वरी पैकरा जी, बोले भारत माता की, भारत माता की, सब जन जयकर नहीं बोला था। जितना जन हमर राजपुर के प्रांगण में आए हा, पूरे हमर बलरामपुर के सब जन धरती में बैठे ही, धरती में खड़े ही, सब जन ला जय जयकार करना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बलरामपुर
जिले के सामरी विधानसभा राजपुर विकासखंड में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब से विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव होने के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से हमारे बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा में 9 महीने के अंदर अंदर एक बार शंकरगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और आज दूसरी बार हमारे सामरी विधानसभा के राजपुर के इस हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में आज हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देऊंगी जो कि 9 महीने के अंदर अंदर हमारे विधानसभा में 2 बार इनका आवास हुआ है। आदरणीय इस प्रधानमंत्री जी के धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम में आज हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य आदरणीय